प्लेट है उसके ऊपर से एयर पास हो रही है, सो एयर का टेम्परेचर देके रखा है इनफाइनाइट फ्लूइड का 20 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी किधर देके रखी है 1.06, कंडक्टिविटी 0.028, सीपी 1.008 किलो जूल पर केजी केल्विन, काइनेटिक विस्कोसिटी 18.97 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर -6। और यहाँ पे इस तरीके से तीन कोरिलेशन ऑलरेडी एग्जाम्पल के अंदर ही देके रखे हैं, कोरिलेशन आपको हमेशा एग्जाम्पल के अंदर देके रखेंगे। सो एक नसेल नंबर का एक कोरिलेशन दिखा है फॉर वर्टिकल प्लेट, एक दूसरा कोरिलेशन है फॉर अपर सरफेस, और तीसरा कोरिलेशन है लोअर सरफेस। और आपको बोला है क्वेश्चन ये है कि हीट ट्रांसफर फाइंड कीजिए फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द प्लेट। उसमें दो केस के लिए आपको ढूंढना है, केस वन एक तो प्लेट इज वर्टिकल एंड केस टू प्लेट इज हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले हम केस वन देखेंगे, अगर प्लेट वर्टिकल पोजिशन में होगी तो हीट ट्रांसफर हम तो बोथ साइड किया होगा। तो मैंने आपको बोला है कि कन्वेक्शन के अंदर सबसे पहले आपको जो ढूंढना है वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ढूंढनी है। तो जब भी प्लेट का कोई एग्जांपल दे और बोला है कि वर्टिकल पोजीशन में है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब भी देखो यहाँ पे तो दो डायमेंशन सेम थे 0.4 by 0.4, ठीक है 0.4 by 0.4 मीटर स्क्वायर दिख रखा है, तो आपको वो डायमेंशन लेना है कि जिसके लिए लेंथ सबसे ज्यादा, जिसके वैल्यू सबसे ज्यादा हो। अब मान लो कि 0.6 by 0.4 होता तो आप कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आपकी 0.6 हो जाती है, जो वैल्यू ज्यादा है वो आप कैरेक्टरिस्टिक लेंथ लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो दोनों सेम है सो कोई भी एक ले लो वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाएगी। तो जब भी प्लेट वर्टिकल पोजीशन में बोला जाए तो जिसका डायमेंशन जो ज्यादा डायमेंशन वाली वैल्यू है वो आपको उठा के चलना है। देखिए यहाँ 0.8 by 0.4 होता तो आप कैरेक्टरिस्टिक लेंथ वहां पे 0.8 लेते हैं, ठीक है। सो वर्टिकल पोजीशन में आप जो सबसे बड़ी डायमेंशन हो गए वही आप कैरेक्टरिस्टिक लेंथ लेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाएगा 0.4 मीटर। अब मेन फ्लूइड टेम्परेचर में ढूंढना होगा वो क्या होता है, सरफेस प्लस फ्लूइड डिवाइडेड बाय 2 यानी 100 plus 20 divided by 2 जो 61 इन केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 273 लीजिए 333 केल्विन हो जाएगा। बीटा क्या होता है, बीटा इज नथिंग बट 1/TM यानी मीन फिल्म, तो मीन फिल्म कितना है 3333, सो बीटा इज इक्वल टू 1/333, ठीक है। अब ग्रेस ऑफ नंबर क्या होता है, बीटा जी डेल्टा एल क्यू अपॉन काइनेटिक विस्कोसिटी का स्क्वायर, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ये जो एल है वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, सो यहाँ पे हमें क्या डालना है उसकी वैल्यू 0.4 डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रेस ऑफ नंबर मिल जाएगा, बीटा आपको पता है जी 9.8 लेना है, डेल्टा टी सरफेस माइनस फ्लूइड कर दीजिए, काइनेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे देके रखी है, आपको ग्रेस ऑफ नंबर मिल जाएगा। सेकंड आपको चाहिए होगा वो प्रांटल नंबर होगा जो होता है म्यू सीपी बाय के, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी उसने म्यू की वैल्यू देके नहीं रखी है, पर मैंने आपको बोला था कि काइनेटिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट द म्यू अपॉन रो, यानी डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कीजिए। अगर म्यू चाहिए तो मुझे क्या कर सकता हूँ, रो इंटू काइनेटिक विस्कोसिटी लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे रो इंटू काइनेटिक विस्कोसिटी लिखा है। सो रो और काइनेटिक विस्कोसिटी दोनों मुझे देके रखी हुई है उसने, अब उसको मल्टीप्लाई करना है सीपी के साथ, लेकिन सीपी की जो वैल्यू है वो किलो जूल के अंदर है, सो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये खास याद रखे। के की वैल्यू भी उसने देके रखी है, के की वैल्यू ऑलरेडी गिवन 0.028, सो यहाँ पे आपको ग्रेस ऑफ और प्रांटल मिल जाएगा। अब यहाँ पे तीन कोरिलेशन है, आपको कौन सा यूज करना है, तो आप केस वन यानी वर्टिकल प्लेट वाला ले रहे हैं तो आपको ये पहला वाला कोरिलेशन जो वर्टिकल प्लेट है वो यूज करना है। So, मैंने पहला वाला कोरिलेशन यहाँ पे रख दिया, मुझे पता है नसेल नंबर इज नथिंग बट दी एच एल बाई के, लेकिन एल कौन सा आएगा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ये ना भूले आप, ठीक है। सो ग्रेस ऑफ है, प्रांटल है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमारे पास है, के की वैल्यू है तो एच मिल जाएगा, सो दिस एच हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब क्या बोला, हीट ट्रांसफर फ्रॉम बोथ दी साइड, तो एक साइड होता तो मैं एच डेल्टा टी लेता, लेकिन यहाँ पे दो साइड है तो 2 into H डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमें हीट ट्रांसफर मिल जाएगा। अब सेकेंड उसने बोला केस टू, अब प्लेट हॉरिजॉन्टल हो तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेट है ना तो दो कंडीशन आती है। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ में आपको समझा देता हूं कि जब भी प्लेट हॉरिजॉन्टल बोले तो आप कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या लगे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का इक्वेशन आएगा एरिया अपॉन पेरीमीटर। अब एरिया 0.4 by 0.4 है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 into length यानी 4 into 0.4, तो जब भी प्लेट हॉरिजॉन्टल हो तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है एरिया अपॉन पेरीमीटर, आप इस चीज को याद रखें। दूसरी चीज, अब हॉरिजॉन्टल होगी तो उसमें दो साइड होगी, प्लेट के अपर साइड भी, क्योंकि उसने बोथ साइड बोला था, अपर साइड भी ट्रांसफर होगा और लोअर साइड भी ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे उसने दो कोरिलेशन देके रखे हैं, एक अपर और एक लोअर। तो सबसे पहले मैं अपर का यूज करके अपर के
के लिए एच ढूंढना होगा जिसके लिए हमें Q इक्वल टू एच रिलेटेड यानी अपर का हीट ट्रांसफर मिलेगा। उसी तरीके से लोअर का यूज करके हमें एच लोअर ढूंढना होगा और वहां से हमें एच क्यूज टू एच डेल्टा टी यूज करेंगे तो लोअर का हीट ट्रांसफर मिलेगा। मान लो कि यहाँ पे आया 50 और यहाँ पे आया वैल्यू 20, तो 50 प्लस 20 टोटल हीट ट्रांसफर 70 वोल्ट होगा। कैसे होगा आप देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपर सरफेस के लिए देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हमें ग्रेस ऑफ नंबर में फाइंड करना होगा, होगा बीटा जी डेल्टा टी एल क्यू अपॉन काइनेटिक विस्कोसिटी स्क्वायर। एल क्यू एल कौन सा आएगा, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ वाला आएगा, एरिया अपॉन पेरिमीटर वाली वैल्यू। फ्रंटल नंबर नहीं चेंज होगा, जो पिछली बार आपने ढूंढा है वही होगा, ठीक है। अब अपर सरफेस के लिए कोरिलेशन देके रखा है, सो यहाँ पे एलसी की वैल्यू डाल दीजिए जो एरिया अपॉन पेरिमीटर वाली है। आपको एच मिल जाएगा अपर, तो अपर के लिए आपको क्यू भी मिल जाएगा एच डेल्टा टी। उसी तरीके से लोअर का कोरिलेशन यूज करना है और लोअर के लिए एच लोअर फाइंड करना है, उसके लिए एच एक बार मिल जाएगा तो क्यू लोअर एच डेल्टा टी भी मिल जाएगा क्यू लोअर के लिए, ठीक है। मान लो कि क्यू अपर आया 20 वोल्ट, ये आया क्यू लोअर 50 वोल्ट, तो टोटल हीट ट्रांसफर बोथ साइड क्या होगा, क्यू अपर प्लस क्यू लोअर यानी 50 प्लस 20 70 वोल्ट। तो इस तरीके से एग्जांपल आप इसको फाइंड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया एग्जांपल था, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।